बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। श्रीदेवी ने अपनी फिल्मी कैरियर में 300 फिल्में की थी। इस बीच बोनी कपूर से शादी करने के बाद श्रीदेवी ने 15 साल तक फिल्मों से संन्यास ले लिया था। श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के काफी करीब थी। इन दोनों की लव स्टोरी काफी लंबे समय तक सुर्खियों में रही। श्रीदेवी की 300वीं फिल्म थी मॉम। इस फिल्म के साथ ही श्रीदेवी के बॉलीवुड में 50 साल भी पूरे हो गए थे। इस फिल्म के रिलीज के वक्त उनके पति बोनी कपूर की खुशी देखते ही बन रही थी। आपको बता दें कि इस फिल्म को बोनी कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था। वहीं फिल्म के प्रमोशन के लिए श्रीदेवी के साथ दिल्ली आए बोनी कपूर से जब एक संवाददाता ने पूछा कि श्रीदेवी के बॉलीवुड में 50 साल पूरे होने पर सिर्फ एक फिल्म का तोहफा क्यों, इस पर बोनी कपूर ने जवाब दिया, अगर मैं शाहजहां होता तो इस मौके पर श्रीदेवी के लिए ताज महल बनवा देता, या फिर एक पेंटर होता तो श्रीदेवी के लिए एक शानदार पेंटिंग बनाता, लेकिन मैं एक प्रोड्यूसर हूँ इसलिए मैं श्री को तोहफे में फिल्म ही दे सकता हूँ। आपको बता दें कि बोनी कपूर अपनी पत्नी श्रीदेवी से बेहद प्यार करते थे। श्रीदेवी के निधन से कुछ वक्त पहले की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बोनी कपूर और श्रीदेवी साथ में नाचते हुए नजर आ रहे थे। दोनों का प्यार उस वीडियो में साफ दिख रहा था, लेकिन आखिर किसको पता था कि ऐसी अनहोनी हो जाएगी।